जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें कि जो है सो आज फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर आया था जिसमें कि ओपन बॉक्स डिलीवरी था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है ओपन बॉक्स डिलीवरी में और किस प्रकार से आपको रिसीव करना है। तो सबसे पहले बंदे ने आया और कॉल किया, कॉल करने के बाद यहाँ पे मेरे दरवाजे पे आया, उसके बाद यहाँ पे उसे डिलीवरी लिए। डिलीवरी लेने के बाद ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो हमको कुछ करना नहीं था, सिर्फ हमको वीडियो बनाना था। उसने बताया कि ठीक है आप वीडियो बना लीजिए और वीडियो बनाने के बाद कोई दिक्कत होगा तो उसको आप वीडियो के रूप में प्रूफ के रूप में कर सकते हैं उसको यहाँ पे सबमिट। ठीक है, तो आप लोग से भी निवेदन है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी रहेगा तो उसको आप लोग वीडियो बना लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कहीं आगे कुछ दिक्कत हो तो वीडियो बहुत काम करेगा। ठीक है, तो उसने सबसे पहले वीडियो बनाने के लिए बताया और उसने अपने मोबाइल से भी जो है सो वहाँ पे फोटो क्लिक किया। उसके बाद क्लिक करने के बाद जो है सो यहाँ पे हमने वीडियो शुरू ही रखा और उसको बीच में काटा भी नहीं, और ये जो लंबा वीडियो जा रहा है इसमें भी कोई तरह का कट नहीं मिलेगा आप लोग को। और वो सामने बैठा हुआ है, ठीक है, और एसर का ये एक लैपटॉप है, एसर एक्सटेंसा 15, ठीक है, 15i3 11th generation, जो कि फ्लिपकार्ट पर मुझको सभी ऑफर लगाने के बाद, बिग बिलियन में नहीं ले पाया था तो दिवाली ऑफर में सभी ऑफर लगाने के बाद 25,500 पड़ा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लगा भी दूंगा कि 1500 का डिस्काउंट है SBI के कार्ड पे। तो चलिए, हमारा सामान जो है तो निकल चुका है। ये दो पन्नी रहता है, पहले एक फ्लिपकार्ट का अपना बॉक्स रहेगा, ठीक है, उसके बाद फ्लिपकार्ट का बॉक्स के बाद आप लोग को यहाँ पे एसर का एक अपना रहेगा। यहाँ पे मॉडल भी देख सकते हैं, वो दिखा रहा था डिलीवरी बॉय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो चाबी से ही पहले इसको हटाने की कोशिश करता है लेकिन ये हटता नहीं है, तो फिर उसने हाथ से ही प्रयास किया तो हाथ से भी नहीं हो पाया, तो फिर से दोबारा से चाबी से हटा दिया। हटाने के बाद वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मुझे तो मतलब थोड़ा सा घबरा भी रहा था कि क्या है नहीं है पूरा, मतलब निकलेगा भी नहीं निकलेगा, लैपटॉप का बात था तो वेट कर रहे हैं। और फाइनली जो है सो लैपटॉप निकल गया, लैपटॉप ही था। और ये 45 वाट का जो है सो चार्जर है इसका, चार्जर होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैपटॉप है। लैपटॉप निकालने के बाद वहाँ पे जो है उसका कुछ यूजर मैनुअल है, उसको नहीं फाड़े, फाड़ने के बाद उसको छोड़ दिए। और ये कुछ कार्ड है, वारंटी है। उसके बाद इस डब्बे को साइड किए, साइड करने के बाद ये हमारा लैपटॉप जो है सो एक पन्नी के अंदर था। अच्छा पैकेजिंग है, कोई दिक्कत नहीं, पैकेजिंग बढ़िया था। और बंदे ने पहले सबसे पहले डिलीवरी बॉय ने देखा कि कोई दिक्कत तो नहीं, स्क्रैच नहीं। आप लोग ओपन बॉक्स डिलीवरी में करना क्या है कि स्क्रैच देखना है और उसके बाद देखना है कि कहीं पर डेंट है, कुछ है, घिसा हुआ तो नहीं है, सारा कुछ देख लीजिएगा, अपने संतुष्ट होकर तभी OTP दीजिएगा, ठीक है। तो सिल्वर कलर में था, मैंने ऑर्डर सिल्वर किया था तो सिल्वर रिसीव हुआ। और मैंने खुद से, आप लोग देखिएगा आगे वीडियो में, उसने पहले देख लिया सारा कुछ, पावर ऑन करने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर चार्जर नहीं था, मतलब चार्ज नहीं था लैपटॉप, तो चार्ज नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो है सो चार्ज नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम अपने खुद से देखें यहाँ पे कि क्या है नहीं है, पहले फ़ोन यहाँ पे दूसरे आदमी को पकड़वा के, और मैंने खुद से यहाँ पे देखा कि कोई डिस्प्ले में डेंट नहीं है, कोई मतलब अलग है नहीं है, सारा कुछ मैंने जब देखा। और देखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से चेक किया जाता है, मुझसे जो हो पाया मैं जितना समझ रहा हूँ उसके हिसाब से मैंने पूरा चेक कर लिया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कोई डेंट नहीं है, कोई मतलब हो सकता है पुराना माल हो, पुराना माल भी नहीं था, एकदम नया था, नया जो मैंने ऑर्डर किया था सेम प्रोडक्ट था। और मैं यहाँ पर सारा कुछ देखने के बाद फिर से इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पर इसमें बैटरी नहीं था, जो कि मतलब बैटरी चार्ज नहीं था, ठीक है। तो चार्ज करने के लिए इसको मैंने एक बार अपने से प्रयास किया लेकिन उससे भी नहीं हो पाया, तो मैंने बंदे को कहा कि भैया आप रूम में चलिए, ठीक है, और वहाँ चार्ज में लगाइए आप, इसको मैं ऑन करूँगा तभी आपको OTP दूंगा, उससे पहले मैं आपको OTP नहीं दूंगा। लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं था कि नहीं भैया यहाँ पर आपको सिर्फ चेक करना है कि मतलब ये आपका चेक करना है कि डेंट है या मतलब कुछ दूसरा सामान तो नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं भाई ये सब नहीं होगा, आपको हमको ऑन करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको OTP देंगे। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा, कोई मोबाइल हो या ये आपका लैपटॉप हो या कोई भी सामान हो या कोई भी प्रोडक्ट हो ओपन बॉक्स डिलीवरी हो, तो आप लोग संतुष्ट होइए, पहले उसको ऑन कीजिए, इलेक्ट्रिक सामान है, सारा कुछ करने के बाद OTP दीजिएगा। पहले OTP दे दीजिएगा तो आप लोग बाद में इसको फंस जाइएगा, ठीक है, बहुत परेशानी होगा, बहुत परेशानी होगा, OTP पहले देना ही नहीं है, ठीक है। पूरी तरह से आप लोगों को जब संतुष्ट हो जाइएगा बढ़िया तरह से, तभी आप लोगों को OTP देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लगा के, लगाने के बाद यहाँ पे लाइन दिए, और लाइन देने के बाद यहाँ पे देखिए कि ऑन होता है कि नहीं, थोड़ा सा धक धक तो कर रहा था कि भैया ऑन हो रहा है नहीं, बंदे ने देखा, देखने के बाद यहाँ पे पावर बटन फिर से वो अनलॉक करता है। पावर बटन क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग, यहाँ पे पावर बटन क्लिक किया और फाइनली जो है
सो देख सकते हैं आप लोग कि फिर से दोबारा एसर का लैपटॉप, मतलब एसर का यहाँ पे लोगो आ चुका है एसर का लैपटॉप में, ठीक है। तो फाइनली हमको मतलब ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप ऑन हो गया। ऑन होने के बाद जो है सो यहाँ पे ऑन हो रहा है, तो मैं संतुष्ट हो गया कि ठीक है, सब कुछ सही है, डिस्प्ले भी सही है। और उसके बाद वो ओटीपी के लिए बोल रहा था कि भैया ओटीपी आप दे दीजिए, हम कह रुको भाई रुको, थोड़ा अंदर आने दो, ठीक है, एक अभी लैपटॉप ऑन ही हो रहा है, ऑन होने दो, सारा कुछ सब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, उसके बाद ओटीपी दे दूंगा। उस ये आपको जो है सो डिलीवरी बॉय धरफराने का कोशिश करेगा, घबराने का कोशिश करेगा कि भैया हमको दूसरा डिलीवरी में जाना है, ठीक है, तो आप लोग भैया ओटीपी दे दीजिए, ये करिए वो करिए, तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना है। जब तक आपके हाथ में ओटीपी है तब तक आप समझिए कि आपके पीछे वो रहेगा। ओटीपी आप जो ही दिए, ओटीपी आप जो ही दिए कि आपका बुझिए कि सारा कहानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह संतुष्ट हो जाइए, जितना भी आपको जो जो करना है फिर से चेक करना है, चेक करिए, लाइन में ला के हटाइए, जो भी करना है सेटअप करिए, उसके बाद मन है आराम से जब संतुष्ट हो जाएगा तब उसके बाद ओटीपी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर सब कुछ सबमिट किया और सेटल करने के बाद यहाँ पर अपना जो सेटअप का प्रोग्राम होता है, सेटअप करने के बाद और जब मुझे सब कुछ अच्छा लगा तो मैंने उसको ओटीपी शेयर कर दिया। उसके बाद जो है सो फाइनली मेरा लैपटॉप ऑन हो गया। ऑन होने के बाद मैंने इस पर सब कुछ इंस्टॉल किया और अभी तो मतलब नहीं दिखा सकते हैं पूरा, क्योंकि पूरा प्रॉपर वीडियो मेरे पास अभी नहीं है। और दूसरा वीडियो है मेरे पास जो कि मैंने सेटअप करने के बाद इसका साउंड कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, कितना देर बैटरी चलता है, ये सब आप लोगों को रिव्यू में इसका मिल जाएगा, क्योंकि अभी टेस्टिंग फेज़ में है, पहले दिन ही है जो कि डिलीवर हुआ है, तो मैं अभी इसका कुछ नहीं कर रहा हूं। और फाइनली जो सब कुछ हो जाएगा तो आप लोग को रिव्यू इसका 15 दिन 7 दिन बाद आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही फाइनली वीडियो था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।